ये जो है ये मैंने वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी उन्होंने रही, तो मैंने इस तरीके से कर लिया। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। ठीक है, अभी आप लोग ना सब लोग अपने जो माइक्स हैं ना उनको ऑफ कर दो। आप सिर्फ तब ऑन करना जब आपको कोई चीज़ पूछनी हो, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो शोर से, आपके जो बैकग्राउंड में जो भी शोर है। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन कैनाल में सब लोग अपने माइक्स बंद कर दो। मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन कैनाल सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स हैं उसमें अगर हम बात करें, जिस तरह आपके इर्द गिर्द जितने भी कैनाल्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो अनलाइंड है। लाइंड चैनल्स की मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, अनलाइंड चैनल की डिफरेंट तरीके से होती है। तो आपके जो अनलाइंड चैनल्स हैं उनमें क्या होती है, सेडिमेंट डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से जो चैनल का ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है, उसकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है। तो हम हर साल जो है जब ड्राई सीज़न होता है उस चैनल की मेंटेनेंस करते हैं, उसमें से जो है वो डिपॉजिटेड जो सेडिमेंट होता है उसको हम रिमूव करते हैं, जिसको आप बाल सफाई कहते हैं। खैर, तो इसमें जो है अच्छा, सबसे पहले जो है आप क्या है, प्रोसेस टू इम्प्रूव दी डिटोरिएटेड कंडीशन ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स टू कीप देम इन टॉप ऑपरेटिंग कंडीशन। डिटोरिएशन इन द इरीगेशन सिस्टम्स इंक्लूड, व्हाट डज इट इंक्लूड एक्चुअली, क्रैक्स इन द लाइनिंग। अगर हम लाइन चैनल की बात करें तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स पड़ते हैं कंक्रीट में, जब क्रैक्स पड़ते हैं तो उसकी हम मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद क्या है, जर्नल इरोजन, जो ऑनलाइन चैनल है उनमें जो इरोजन हुई होती है, एंड सेटलमेंट ऑफ एम्बैंकमेंट और स्ट्रक्चर वक्त के साथ साथ जो ड्यू टू सीपेज एंड अदर रीजंस जो है, एम्बैंकमेंट जो है आपकी साइड्स पे, जो चैनल की साइड्स पे जो आपने एम्बैंकमेंट्स बनाए वो अब बैठ जाए अगर नीचे सेटल हो जाए, इंक्रोचमेंट ऑफ फ्री बोर्ड, स्कावर सीपेज एंड सीवियर डैमेज एट एनिमल क्रॉसिंग्स नियर टू दी विलेजेस। ये सारी रीजंस जो है, ये सारी रीजंस जो है ये आपकी जो है रीजन है जिसके पीछे, मतलब जिस जो अकर हो, तो आप लोग क्या करते हो, मेंटेनेंस करते हो कैनाल की, किस तरह करते हो वो हम देखते हैं अभी आगे। ऑल स्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज आर सब्जेक्ट टू डिटोरिएशन इन वेरिंग डिग्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। सबको जो है वो मेंटेनेंस चाहिए होती है डिफरेंट लेवल की वक्त के साथ साथ। जो ऑनलाइन चैनल्स हैं उनमें ज़्यादातर ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, बट जो लाइन चैनल्स हैं उनको वक्त के साथ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेंटेनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इरिगेशन सिस्टम कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नॉट ओनली पे इन डिविडेंड्स इन द इकोनॉमिकल ऑपरेशन ऑफ अ स्मूथ वर्किंग सिस्टम, बट ऑल्सो मीन्स द अनइंटरप्टेड डिलीवरी ऑफ वाटर टू द कमांड एरिया। अगर हम जो किसी भी सिस्टम इरिगेशन सिस्टम को चाहते हैं ना कि वो कामयाब रहे और उसकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा रहे, मतलब अपना जो डिज़ाइन पीरियड है उस तक वो पूरा करे उसको, ठीक है, तो
तो इस सूरत में आप लोग जो है उसकी जो अगर मेंटेनेंस साथ साथ करते रहें तो दैट विल मेक योर चैनल लॉन्ग लास्टिंग। सो इसी तरह जो है आप अगर आप वक्त के साथ मेंटेनेंस करते हैं तो फॉर ह्यूज मेंटेनेंस, अगर कोई मतलब अगर आप वक्त के साथ मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वक्त के साथ ख़राबी ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा ख़राबी होगी तो उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो इट इज़ गुड इफ़ वी मेंटेन अवर चैनल्स रेगुलरली। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस? टू कीप द सिस्टम इन टॉप ऑपरेटिंग कंडीशन ऑल टाइम्स थ्रू प्रॉपर मेंटेनेंस। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो अपने डिज़ाइन कंडीशन में रहे हर वक्त, तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑब्टेन द लॉन्गेस्ट लाइफ एंड ग्रेटेस्ट यूज ऑफ फैसिलिटीज ऑफ द सिस्टम बाई प्रोवाइडिंग गुड मेंटेनेंस एंड टाइमली। इफ़ यू प्रोवाइड टाइमली मेंटेनेंस देन हमारा जो कैनाल सिस्टम है वो क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। और उसमें जो है ये क्या नाम है उसका, उसको हम एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है टू अचीव द फोर गोइंग ऑब्जेक्टिव्स एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सॉरी, टू अचीव द फोर गोइंग ऑब्जेक्टिव्स एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट थ्रू ए प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोग्राम। अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो हमारी जो मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं चैनल के, क्या इरिगेशन पर्पस के लिए या जिस मर्जी पर्पस के लिए हैं, वो एक तो हमारे अचीव होंगे, ठीक है, एफिशिएंटली, ठीक है, और उनकी कॉस्ट भी क्या होगी, वो कम होगी। नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस कैटेगरीज क्या है। मेंटेनेंस कैटेगरीज जो है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इरिगेशन कैनाल्स इन पाकिस्तान इज़ यूजली डिवाइडेड इन फोर कैटेगरीज विच आर रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस, सीजनल रिपेयर्स, एनुअल रिपेयर्स एंड एमरजेंसी रिपेयर्स। ये चार किस्म के जो हैं वो आप लोग मेंटेनेंस करते हो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस रेफर्स टू द डे बाय डे वर्क आइटम्स दैट मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड टू कीप अ सिस्टम ऑपरेटिंग वेल। ये आपकी डेली बेसिस की जो मेंटेनेंस है छोटी मोटी, दीज आर बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फंक्शंस दैट आर अंडरटेकन ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस टू प्रिवेंट द प्रोग्राम्स टू बिकम लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव। ये डेली बेसिस पे करते हो, ठीक है। अगर ये डेली बेसिस पे ना करो तो वक्त के साथ साथ ये डैमेज ज़्यादा क्रिएट करती हैं, और जब डैमेज ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमारा खर्चा भी मेंटेनेंस का बढ़ जाता है। इट इंक्लूड्स फिलिंग रैट होल्स, रेन कट्स एंड रेन होल व्हेन ऑब्जर्व। रैट होल्स जो है मतलब जहाँ जो ज़मीनी जो कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह या दूसरी चीज़ों की वजह से जो होल्स ज़मीन में हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्टली रिमूविंग ट्रीज दैट हैव फॉलन इनटू द कैनाल, तो अगर वो ट्रीज़ वगैरह की ज़रूरत है। रिप्लेसिंग मिसिंग स्टोन्स और ब्रिक्स इन द लाइनिंग। समटाइम्स आपकी कैनाल जो है उसका बेड लाइन नहीं होता, मगर जो उसकी साइड्स होती हैं, साइड स्लोप्स जो होती हैं वो लाइंड होती हैं, यूजिंग उनको आप ब्रिक्स यूज़ करके या स्टोन्स वगैरह यूज़ करके अगर आपने किया हो, तो उस सूरत में जो है आप लोग सात यूसुफ डार अभी आया। अच्छा, रिप्लेसिंग मिसिंग स्टोन्स और ब्रिक्स, जब आप जो है वो अगर कोई वहाँ से साइड वाली जो लाइनिंग है वहाँ से अगर आपका कोई स्टोन या कोई ब्रिक रिमूव हुई है तो आप उसको फ़ौरन रिप्लेस कर दें, ठीक है। अगर वो आप रिप्लेस नहीं करते तो उसमें सीपेज होगी, पानी जाएगा अंदर, सीप करेगा, सेटलमेंट हो सकती है, आपका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। क्लीनिंग वीड्स एंड अदर फ्लोटिंग ट्रैश, अगर आप अपने जो है उस पर
सिस्टम जो आपका इरिगेशन सिस्टम केनाल केनाल वगैरह है उसके बेड से अगर आप वीड्स वगैरह यानी कि जो पौधे वगैरह या दूसरे ट्रैशिंग मटीरियल्स जो होते हैं फ्लोटिंग, लोग आपको पता है ना हर चीज़ केनाल में डिपॉजिट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आप रिमूव करते हैं रेगुलर फ्रेंस में। सीजनल रिपेयर्स, सीजनल रिपेयर्स में क्या है, इट इज़ द लाइट मेंटेनेंस वर्क पार्ट ऑफ विच हैज़ टू बी एकम्प्लिश ड्यूरिंग केनाल क्लोयर। ये क्या है, एक लाइट सा मेंटेनेंस वर्क है और इसका जो है केनाल जब बंद होती है उस दौरान इसको जो है वो किया जाता है। कैन बी अंडरटेकन बाई परमानेंट एम्प्लॉयज और कैजुअल लेबर हायर्ड फॉर दिस पर्पज। समटाइम्स जब हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ कम पड़ जाए मेंटेनेंस वर्क के लिए तो वी हायर लेबर फॉर दिस पर्पज़। मतलब जो पाकिस्तान हमारा जो पंजाब का इरीगेशन डिपार्टमेंट है वो 6 माह के लिए लेबर भी हायर करता है, 3 माह के लिए भी लेबर हायर करता है और परमानेंट लेबर के अलावा। इट इज़ लिमिटेड इन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम अवेलेबल ड्यूरिंग केनाल क्लोजर। तो इसकी जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है मेंटेनेंस का, और चूंकि हमने वो मेंटेनेंस उस टाइम लिमिटेड टाइम में करनी है, हम केनाल को ज़्यादा देर क्लोज नहीं कर सकते, तो वी हायर एक्स्ट्रा लेबर टू मेक दैट वर्क एफिशेंटली, मेंटेनेंस वर्क जो उसको हम एफिशेंटली कर लें। दिस वर्क जनरली इंक्लूड्स रिपेयरिंग एंड रीसेटिंग ऑफ आउटलेट्स, रिपेयरिंग डैमेज्ड पैनल्स ऑफ लाइनिंग, रिमूविंग ऑल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द बेड एंड द साइड्स, कंप्लीटिंग टेम्पररी रिपेयर्स। ये सारी जो आपकी रिपेयरिंग्स हैं वो इस तरह के सीजनल जो रिपेयरिंग है या सीजनल मेंटेनेंस है उसमें आ जाता है। ठीक है, कि अगर आप रीसेट करते हो, रिपेयरिंग या रीसेटिंग ऑफ आउटलेट्स, जो आपके इरीगेशन चैनल में से जो आउटलेट्स निकल रहे हैं उनकी आप रीसेटिंग करते हो, कोई ख़राबी पैदा हो गई है, कोई स्ट्रक्चर की शेप ख़राब हो गई है, कुछ हो गया है, उसको आप रिपेयर कर देते हो। ठीक है, पैनल लाइनिंग के पैनल होते हैं ना, जॉइंट्स आपने किए होते हैं, एक पैनल फिर अगला जॉइंट होता है, फिर अगला पैनल होता है, फिर अगला पैनल होता है, तो लाइनिंग के जितने भी जो जॉइंट्स हैं या अगर कोई एक पैनल जो है वो ख़राब हो गया तो उसको भी आप रिपेयर कर देते हो। एनुअल रिपेयर्स, एनुअल रिपेयर्स में इट इज़ अ हैवी वर्क दैट इज़ जनरली कॉन्ट्रैक्टेड आउट टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और द मशीनरी डिवीजन ऑफ द इरीगेशन डिपार्टमेंट। एनुअल रिपेयर्स जो है वो एक हैवी वर्क है, ठीक है, जिसको आप किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं, डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट जो वर्क कर रहा है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको मतलब कहता है कि आप लोग करो, और जो है अगर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है विच इंक्लूड्स, जो अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का ही जिसके पास मशीनरी अवेलेबल है तो वहाँ से भी मशीनरी हायर की जाती है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी अपनी मशीनरी ले आते हैं मेंटेनेंस के लिए। इट इन्वॉल्व्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सटेंसिव प्रोग्राम ऑफ रिप्लेसिंग द डैमेज्ड पोर्शन ऑफ लाइनिंग एंड एम्बेडमेंट स्लोप्स। इसमें एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम होता है और पूरा का पूरा डैमेज जो पोर्शन होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ मेंटेनेंस। छोटी मोटा जो है वर्क की बजाय उसको क्या किया कर दिया जाता है, उसको आप पूरे के पूरे पैनल को जो है वो क्या करते हो, चेंज कर देते हो। जब बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो तो आप इस तरह करते हो, हालत मतलब यानी कि आप मेंटेन करो भी तो ज़्यादा जो है उसके जो सरफेस है या उसमें ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस ना आए तो आप क्या करते हो, पूरे पूरा पैनल भी चेंज कर देते हो। इट आल्सो इंक्लूड्स दी कोई इन लार्ज डी सिल्टिंग वर्क्स एंड ए कॉम्प्रिहेंसिव रेन कट रिपेयर प्रोग्राम एंड रिक्वायर्ड हल सफाई जिसको आप कहते हो। द नेक्स्ट वन इज एमरजेंसी रिपेयर्स। Emergency repairs, it refers to the repair of serious damages or failure which unless prompt action is taken may entail even more catastrophic conditions concerning canals and farmlands.
These damages are not always predictable with respect to time of occurrence or to their scale. What happens actually, emergency repairs कब आते हैं? आप लोगों ने सुना होगा अच्छे तरीके से, जैसे ही बरसात आती है, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमारे जो अक्सर नहरें हैं उनका जो है ना, कहते हैं ना कि फलानी नहर जो है वो कट गई है, ठीक है, और उसका सारा का सारा पानी साथ वाले गांव में आ गया और पूरे का पूरा गांव जो है वो फ्लडेड हो गया। तो ये इस तरह की कंडीशंस में जो रिपेयरिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एमरजेंसी रिपेयर्स। तो द कैटास्ट्रोफिक डैमेजेस ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स मे रिजल्ट फ्रॉम एनी ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? फ्लड्स और हैवी रेनफॉल्स, केयरलेस ऑपरेशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज, ह्यूमन एक्शंस सच एज स्टीलिंग वाटर बाय ब्लॉकिंग कैनाल्स, कटिंग कैनाल बैंक्स, डिस्ट्रॉइंग गेट्स। सबसे पहले क्या, फ्लड्स और हैवी रेनफॉल्स, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। केयरलेस ऑपरेशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, अगर उसका उसको ऑपरेट कर रहे हैं केयरलेसली, लाइक मतलब इफ़ यू हैव सम वीक स्ट्रक्चर, सॉरी वीक पोर्शन अलोंग द चैनल, अगर कोई है उसको मेंटेन करने के बाद आपको चाहिए क्या वो चैनल जो है उसको आप फ्लो उसमें कॉन्टीन्यूस रखें, बट यू स्टिल गो फॉर ऑपरेशन, देन क्या होगा अल्टीमेटली, वो स्पेसिफिक वीक पोर्शन जो है वो ज़्यादा डैमेज होगा और कैनाल जो है ब्रीच कर देगी। इसी तरह ह्यूमन एक्शंस सच एज स्टीलिंग वाटर बाय ब्लॉकिंग कैनाल्स, कटिंग कैनाल बैंक्स एंड एक्सेट्रा। आपने अक्सर देखा होगा गांव में जो है वो लोग क्या करते हैं, कैनाल का जो पाथ है उसमें चारपाई या कुछ चीज़ इस तरह की रख देते हैं जिसमें से पानी क्या करता है, हेड अप हो जाता है और उनके जो उनका जो एरिया ज़मीन होती है या जो भी होता है उसमें ज़्यादा एफिशिएंटली पानी जाए। ताकि इसी तरह जो है जब हम इरीगेट कर रहे होते हैं थ्रू आउटलेट्स, क्या करते हैं लोग इसी तरह करते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं एक्स्ट्रा वाटर का अपनी लैंड को देने के लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्री बॉर्ड पोर्शन ऑफ लाइनिंग एम्बैकमेंट्स बाय एनिमल्स। आप ये भी चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं आप प्रैक्टिकली कि आपकी जो चैनल्स हैं उसमें अक्सर जानवर जो है नहाने के लिए या फैंसे वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, उनकी वजह से जो खराबियाँ पैदा होती हैं। डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन मेंटेनेंस ऑफ लाइंड कैनाल्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ कैनाल सिस्टम्स इज सो वैस्ट एंड वेरीड इन नेचर दैट दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट सब ग्रुप्स। मैग्नीट्यूड जो है प्रॉब्लम का, उसको इनकाउंटर किस तरह किया जा सकता है, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज। ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज ऑफ द कैनाल सिस्टम, कौन कौन सी ऑपरेट करते हुए, जब ऑपरेट हो रहे चैनल, जब चैनल में फ्लो कर रहा है इरीगेशन वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है। मिसयूज एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द कैनाल वाटर्स बाय द फार्मर्स, जो फार्मर्स जो उसका मिसमैनेजमेंट करते हैं, मिसयूज करते हैं, उस सूरत में क्या होता है, और डेफिशिएंसीज इन द हाइड्रोलिक एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, देर कैन बी डेफिशिएंसीज, जो भी उसका हाइड्रोलिक डिज़ाइन है और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है कैनाल का उसमें डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं मेंटेनेंस में। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शंस, समटाइम डिज़ाइन बड़ा फिट होता है मगर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने वाले जो है ना वो फिट बंदे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो डिफेक्ट्स छोड़ देते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसकी जो डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन होती है उसमें प्रॉब्लम होती है उस कंस्ट्रक्शन में। इनएडिक्वेट स्टाफ एंड इनएडिक्वेट फंडिंग अवेलेबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स जो है, अब वो कहते हैं ना कि जो जिसका काम उसी को साजे, तो अगर आप ऐसे लोगों के हाथ पकड़ा दें वो सारा काम, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दें जिन्होंने कभी कैनाल की मेंटेनेंस का काम नहीं किया या कैनाल कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया, तो वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफेक्टिव करेंगे और मेंटेनेंस में भी ख़राबियां पैदा करेंगे। डिफ़िकल्टीज
एंड प्रॉब्लम्स इन मेंटेनेंस में ऑपरेशनल डिफिकल्टीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं कि मैनी अजम्पशंस आर मेड एट द प्लानिंग स्टेज इन द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कैनाल सिस्टम. एवरेज ड्यूटीज अडॉप्टेड इन द डिज़ाइन ऑफ कैनाल सेक्शंस फॉल शॉर्ट ऑफ द पीक डिमांड्स इन द फील्ड्स. एक्चुअल कन्वेंस लॉसेज वाइडली डिफर फ्रॉम दोज अकाउंटेड फॉर इन द डिज़ाइन ऑफ द कैनाल. एक्चुअली जो हमारा डिज़ाइन होता है ना वो थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है. और समटाइम्स अगर हमने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हम उसका मॉडल स्टडी भी कर लेते हैं, ठीक है, टू चेक एक्चुअल कंडीशंस के कैसी होती है. तो हमारी जो 100% एक्चुअल कंडीशंस हमें तब ही मालूम होती हैं जब हम वो स्ट्रक्चर बना के उसको प्रॉपर रन कर लेते हैं. तो उस वक्त जो डिफरेंसेस की वजह से जो हमने अपना डिज़ाइन किया है और जो एक्चुअल रिजल्ट शो कर रहा है उसमें जो डिफरेंसेस की वजह से डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको हम ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं. मिसयूज ऑफ वाटर, इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम थ्रू माल प्रैक्टिसेस बाय द फार्मर्स. दिस इंक्लूड ब्रीचिंग ऑफ द कैनाल बैंक्स, टैम्परिंग विद आउटलेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग टॉप स्ट्रक्चर्स. अगर जिसको आप लोग कहते हो जो जो फार्मर्स जो हैं वो पानी चोरी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो कट लगाते हैं या पाइप लगा देते हैं, चोरी वाला पाइप लगा देते हैं. तो उसका वो जो जब रिमूव करते हैं चोरी करने के बाद जो है उसमें वो फिर डिफेक्ट्स छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से कैनाल ब्रीच कर जाती है कई दफ़ा, या कई दफ़ा खुद जान के भी ब्रीच करते हैं ताकि पानी मिल जाए और जो महकमा अनहार वाले हैं वो आके जो है उसको वो मेनटेन करते हैं चैनल को. फिर डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम मेंटेनेंस में हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या, डिज़ाइन डेफिशिएंसी. मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ ए कैनाल सिस्टम इज़ द डिज़ाइन सेटअप्स. ये किसका माउस चल रहा है मेरी स्क्रीन में, इज़ इट मी और इज़ इट समवन एल्स? बट जरा अपना माइक ऑन करें. हाँ, इसको जो है ये मैंने दूसरों की वो जो माइक ये ऑफ करना हो अगर वो एनोटेट तो वो किस तरह करेंगे? ओके. अब जो भी वो बंदा था जो वो कर रहा था वो अब नहीं कर सकता, तो मैंने उसकी एनोटेशन रिमूव कर वो ख़त्म कर दिया. खैर, अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ ए कैनाल सिस्टम इज़ द डिज़ाइन सेटअप्स बोथ हाइड्रोलिक एंड स्ट्रक्चरल. नो डिज़ाइन मेथड इज़ परफेक्ट एंड नो स्ट्रक्चर ड्यू टू इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स इज़ डिज़ाइन टू सर्व इट्स टोटल लाइफ एज ट्रबल फ्री. ये तो एक कहते हैं ना कि अजली सच है कि कोई भी ऐसा डिज़ाइन या स्ट्रक्चर नहीं है जिसको इकनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स ना हो, ठीक है, और वो उसको ऐसा डिज़ाइन कर दिया जाए कि वो पूरी ज़िंदगी बगैर कोई जो है ना ट्रबल क्रिएट की है, यानी कि उसको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े और वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये रियलिटी जो एक्चुअल कंडीशंस होती हैं वो डिज़ाइन कंडीशंस से डिफरेंट होती हैं. तो हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से परफेक्ट करते हैं डिज़ाइन, बट उसके बाद जो है वो क्या होता है कि उसमें डेफिशिएंसीज अगर कुछ हो तो वो डैमेज करते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है इन द डिज़ाइन इन मोस्ट केसेस द अफेक्ट ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट पैरामीटर इज नेग्लेक्टेड. यस, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर
रीज़न जो है ना, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट पैरामीटर। हमें सेडिमेंटेशन की जो है वो कोई इतनी क्या कहते हैं उसे, अंदाज़ा नहीं होता कि क्या कंडीशंस होंगी सेडिमेंट की, ठीक है। दिस इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल कंडीशन सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट जो है। बाज़ दफ़ा ऑल दो हम वेलोसिटीज़ को लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं डिज़ाइन के अंदर के लिमिटेड वेलोसिटीज़ हो, कम से कम रिमूवल ऑफ सेडिमेंट हो या डिपोजिशन हो, उसको हम डिज़ाइन तो करते हैं, बट इन रियलिटी कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये एक मेजर रीज़न है। मच ऑफ द मेंटेनेंस वर्क कुड हैव बीन रिड्यूस्ड इफ प्रॉपर मेथड ऑफ डिज़ाइन हैड बीन अडॉप्टेड। यस, इफ वी फॉलो, लाइक मैंने भी एक्सप्लेन किया कि अगर हम एक जो वेलोसिटी को भी मेंटेन रखें चैनल डिज़ाइन में है और ये सारी कंडीशंस को मेंटेन रखें, तो तब जो है हमारे जो है ना दूसरे प्रॉब्लम्स, मेंटेनेंस जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम बनेंगे। अब इसी तरह अगर हम देखें कि जब हम चैनल को डिज़ाइन करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो है ना सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस जो है वो अचीव हो, ठीक है। इस तरह करके आप लोग जो है, आप लोग क्या करते हो, एक्चुअली मैंने ना सबके माइक ऑफ करवाए हैं, तो जिसका भी बोला ना माइक उसका नाम आ गया ऊपर। मैंने सबके माइक ऑफ करवाए हैं, तो ये जिसका भी अभी माइक बोला उसका नाम ऊपर आ गया। सो आई एम इग्नोरिंग यू, ओके, दिस टाइम ओनली। मच ऑफ द मेंटेनेंस वर्क कुड हैव बीन रिड्यूस्ड इफ प्रॉपर मेथड ऑफ डिज़ाइन। तो हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो सब क्रिटिकल फ्लो हो। जब सब क्रिटिकल फ्लो होगा तो डैमेजेस भी कम होंगे। अल्लाह हू अकबर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, अनदर मेजर प्रॉब्लम इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। हाउ आर यू ऑपरेटिंग देम एंड आर यू रेगुलरली मेंटेनिंग? एंड डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स इम्प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ सबग्रेड, यूज ऑफ, ये अपना माइक बंद करो। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स इम्प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ सबग्रेड, यूज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, थेफ्ट ऑफ सीमेंट एंड इनफेक्टिव सुपरविजन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। समटाइम्स हम या तो फिर जो ऑन साइट बंदे होते हैं वो करप्ट होते हैं, या फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो करप्ट होता है, या बाज़ दफ़ा दोनों ही करप्ट होते हैं, ठीक है। अगर दोनों में से एक करप्ट हो तो थोड़ा सा बेहतर काम हो जाता है, अगर दोनों ही करप्ट हो तो काम बहुत गंदा होता है, और अगर दोनों ही अच्छे हो तो क्वालिटी वर्क होता है। दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है। और अगर दोनों में से एक करप्ट है तो मटेरियल हल्का, एक बंदा मटेरियल हल्का, फर्ज करे कॉन्ट्रैक्टर है तो करप्ट है, तो वो क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल डाउन रखेगा, रेट्स कम रेट्स वाले मटेरियल यूज़ करेगा, ही डोंट केयर अबाउट के उसकी वजह से क्या डिफेक्ट्स होंगे इसमें और फ्यूचर में क्या होगा, मेंटेनेंस कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आ जाती है, ठीक है। इफ़ यू यूज़ क्वालिटी मटेरियल एंड इफ़ यू कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, देन मेंटेनेंस कम होगी और कॉस्ट भी मेंटेनेंस की कम होगी। इट इंक्रीजेज मेंटेनेंस कॉस्ट एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ वाटर टू द डाउनस्ट्रीम रीजन्स। Okay, next one is inadequate staff and funding available. अगर आपके पास जो स्टाफ है वो inadequate है और आपके पास नंबर, मतलब आपके पास, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, या हमारे पास जो स्टाफ अगर स्किल्ड ना हो,
ठीक है, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, या जो हमारे पास जितने मजदूर हैं, या इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है उनमें जो वर्कर है उनको बेलदार कहते हैं बेसिकली, बेलदार कम है या स्टाफ कम है, तो हम एक तो वक्ती तौर पर स्टाफ भी हायर करते हैं, या स्किल्ड लेबर्स को भी स्किल्ड लेबर को भी हायर करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है फंडिंग पे, अगर हमारे पास इन एडिक्वेट फंडिंग या फंडिंग नहीं है तो फिर मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स में मेंटेनेंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। द मेंटेनेंस फंडिंग अवेलेबल इज इनसफिशिएंट टू अटेंड इवन टेम्प्रेरी रिपेयर्स विदाउट कंसिडरिंग द हैवी रिपेयर्स। ये सारी प्रॉब्लम्स फंडिंग की वजह से आ सकते हैं या लेबर की वजह से आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस गेन एंड लेसन लर्न। अब क्या एक्सपीरियंस गेन किया हमने जी? कंपेक्शन ऑफ सब ग्रेड बिफोर लाइनिंग इज द की टू द सक्सेस ऑफ स्टेबल लाइन सेक्शन, एज मैनी रीचेज ऑफ लाइन कैनाल्स इन पाकिस्तान हैव फेल्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर अटेंशन टू दिस। जो हमारा एक्सपीरियंस है अभी तक का पाकिस्तान में कैनाल का, उसमें क्या है कि हम जो सब ग्रेड है उसको कंपैक्ट नहीं करते अच्छे तरीके से। अगर उसको बेहतर तरीके से कंपैक्ट किया जाए तो उसकी जो सरफेस पे लाइनिंग होगी वो स्टेबल होगी। इन हाई वाटर टेबल रीचेज कंक्रीट लाइनिंग हैज़ अ बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस देन ए ब्रिक टाइल लाइनिंग एंड हैज़ लेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। ऐसे एरियाज जहाँ पे वाटर टेबल हाई है, वाटर लॉगिंग के खतरात हैं जहाँ पर या जो भी है, वहाँ पर जो है कंक्रीट लाइनिंग जो है वो एफिशिएंट है, सूटेबल है। इफ़ एम्बैकमेंट्स आर नॉट प्रॉपरली कंसोलिडेटेड दिस रिजल्ट इन अर्ली फेलियर ऑफ द कैनाल लाइनिंग। अगर हमने अपनी जो एम्बैकमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया, कंसोलिडेट नहीं किया, तो वो क्या होगा, अर्ली फेलियर की तरफ जाएंगी लाइनिंग की, अर्ली फेलियर की तरफ, वक्त से पहले फेल हो जाएगी। इन एडिक्वेट ड्रेनेज रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ लाइनिंग। द मेंटेनेंस ऑपरेशन ऑफ इरीगेशन कैनाल्स इज बिकमिंग स्पेशलाइज जॉब एंड फॉर दिस अ सेपरेट कैडर ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ नीड्स टू बी एस्टेब्लिश्ड। अब ये जो मेंटेनेंस ऑफ इरीगेशन कैनाल, एक स्किल्ड पर्सन स्किल्ड लोग ही कर सकते हैं टू अचीव दैट स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप विच वॉज डिज़ाइन, तो इसके लिए एक स्किल्ड लेबर ही चाहिए एंड दिस इज़ अ स्पेशलाइज जॉब। जो बंदा नॉलेज रखता है उसका, ये जो बंदा स्किल्ड है वही ये काम कर सकता है। नेक्स्ट जो है एक्सपीरियंस गेन लेसन लर्न में है, कैटल घाट साइट्स और बफलो वैलोज शुड बी कंस्ट्रक्टेड नियर विलेजेस इन केस ऑफ लाइन कैनाल्स टू गार्ड अगेंस्ट डैमेज बाय द फार्मर्स एंड द एनिमल्स। जो कैटल और बफलोज वगैरह जो किसी भी सेक्शन में से कैनाल में एंटर हो जाती हैं, उनके लिए कलादा सा एरिया बनाना चाहिए जहाँ से वो आए, और गांव वगैरह में स्पेशली जहाँ से कैनाल्स गुजरती हैं वहाँ पे तो ये लाजमी होनी चाहिए, कैटल घाट साइट्स और बफलो वेलोस। सॉरी। नेक्स्ट जो है, अ ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रिजेस क्रॉसिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द ट्रैफिक और नियर बाई विलेजेस टू मिनिमाइज द डैमेज बाय एनिमल्स एंड ट्रैक्टर्स। यस, इट कैन रिड्यूस द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। Plantation on berms of canal should be discouraged as this is injurious to linings. Of course, the plant की roots जो हैं वो जाएंगी और damage करेंगी नीचे से base of the lining को जो है damage करेंगी, roots जो है settlement हो सकती है, खराबियाँ पैदा हो सकती है। अच्छा जी, ये देखें, अगर plantation हुई हुई है या कोई भी shows की वजह से, हाँ एक और भी इशू इसमें इसमें जो है कि आपकी जो इरोजन होती है उसकी वजह से डैमेजेस जो आते हैं साइड्स पे, ठीक है, और ये जो प्लांटेशन होती है उनकी वजह से भी आते हैं। जब रूट्स ग्रो करती हैं, पार्टिकल्स रिमूव होते हैं अपनी जगह से और इरोजन होती है। अब ये वाला जो सेक्शन है कैनाल का जो इस पिक्चर में शो हुआ है, यहाँ पे क्या है, इन एडिक्वेट फ्री बोर्ड एट 46.3 किलोमीटर फ्रॉम द कैनाल हेड ऑफ UCC
ठीक है, ये यहाँ पर इनएडिक्वेट फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड वो जो फ्री बोर्ड जो ओरिजिनल डिज़ाइन डेप्थ से थोड़ी सी हम ज़्यादा डेप्थ जो है चैनल का डिज़ाइन करते हैं, तो जितनी ज़्यादा डेप्थ करते हैं वो सारा क्या होता है फ्री बोर्ड होता है। तो यहाँ पे इनएडिक्वेट फ्री बोर्ड है इस सेक्शन के नाम में, तो इसकी जो मेंटेनेंस है उसकी ज़रूरत है। इसी तरह इररेगुलर कैटल ट्रेस पासिंग, अब यहाँ से जो कैटल्स हैं ये जब आती हैं केनाल में एंटर होती हैं, तो इस तरह की साइड्स जो है हमारी हो जाती हैं, तो इनकी वजह से जो है हमारी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जो सेक्शन को डिस्टर्ब कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है, डीप स्कावर पिट डाउनस्ट्रीम ऑफ फॉल स्ट्रक्चर एट 50 किलोमीटर फ्रॉम कैनाल हेड ऑफ यूसीसी। यूसीसी से क्या है 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पे, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, स्कावर पिट है, डीप स्कावर पिट, जहाँ पे स्कावरिंग बहुत ज़्यादा हो जाए और बेड जो है उसमें एक डीप पैच आ जाए, जिस तरह ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। कैटल घाट एट सम सेक्शन ऑफ LBDC, अगर आप ये देखें बारी दुआब के नाल जो है ना, इसमें ये कैटल घाट जो है, ये क्या इस तरह का आपने देखा होगा आपने, ये यहाँ पे गुजरांवाला में भी हमारे यहाँ पे है, ये इस तरह का बना हुआ है किनाल में, इसको कैटल घाट कहते हैं। और अगर ये बने हो यहाँ से, अगर कैटल्स अंदर हैं तो डैमेजेस नहीं होंगे। सो